आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। थोड़ी देर में पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जाएगी। गांधी मैदान के साथ ही बिहार के बाकी हिस्सों में भी ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके लिए मस्जिदों में विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ईद को लेकर राजधानी के बाजारों में शुक्रवार की देर रात तक लोग खरीदारी करते रहे। देर रात तक बाजारों में भीड़ लगी रही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन कुमार जुड़ गए हैं। अमन, आज देश भर में ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। आपके जिले में क्या हालात हैं? वहां पर किस तरह की प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं और वहां पर आज ईद के त्योहार को लेकर क्या माहौल देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अभी मैं पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जा रही है। तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से मैं साझा कर रहा हूँ। देखिए थोड़ी देर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ पहुँचेंगे और जो नवाजी हैं वो 7:30 का समय दिया गया है ईद की नमाज़ अदा करने के लिए, और इस्लामी शरीयत के मुख्य शरीयत जो हैं वो सभी नवाजियों को आज ईद की नमाज़ अदा करवाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी पहुँचे रहेंगे, यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ही इस गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की जाएगी। आपको बता दूं कि हर वर्ष यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की जाती है जिला प्रशासन के द्वारा, और लगभग 25,000 से 30,000 लोगों की व्यवस्था पटना के गांधी मैदान में की जाती है। और इस बार की बात कर लूँ तो इस बार 40,000 लोगों की व्यवस्था पटना के गांधी मैदान में की जा रही है ईद की नमाज़ अदा करने के लिए। वहीं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि गांधी मैदान के दूसरे साइड की तस्वीर देखें। देखिए उस साइड जो है वो रोड है, सड़कों पर भी जो ईद की नमाज़ अदा की जाती थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से जिला प्रशासन ने ये तैयारियां जो है वो पटना के गांधी मैदान में ही करवाई, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती थी तो भीड़ के कारण सड़कों पर भी नमाज़ अदा की जाती थी, लेकिन इस बार बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा पटना के गांधी मैदान में ही ईद की नमाज़ अदा की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे और नमाज़ अदा करने के बाद जो ईद का जो माहौल है वो खुशियों में बदलेगा। लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे और ईद के जश्न में डूबेंगे, लेकिन उससे पहले आज अंतिम नवाज ईद की अंतिम नवाज अदा की जाएगी पटना के गांधी मैदान में। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई बड़े नेता इसकी गवाही रहेंगे, और जिस तरीके से पिछले 29 दिनों के बाद कल जुम्मे के दिन अलविदा नवाज पढ़ा गया और रात में ईद का चांद दिखा, उसके बाद से ही आज ईद की जो खुशियाँ हैं वो हमारे मुसलमान भाइयों में खूब दिखने को मिली। और आज अंतिम दिन है, ईद की नवाज पढ़ी जा रही है, और फिर से तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा कि जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। देखिए धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ेगी पूजा, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, नमाज अदा करते हैं, और जो व्यवस्था है वो 35,000 से 40,000 लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की जाती है। ये जो रमजान का महीना है बड़ा ही पाक महीना माना जाता है। कहा जाता है इस महीने के समय जब भी आप रोजा रखते हैं कोई चीज़, या अगर आपने कभी कुछ गलत किया है तो सारे वो जो पाप है, वो गलत काम है, वो सब धुल जाते हैं। अगर आपके लिए संभव हो, पॉसिबल हो, तो वहाँ पर मौजूद लोगों से अगर आप बात कर पाए कि ईद के त्यौहार को लेकर आज वो कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत मुश्किल से बामुश्किल ये चांस मिला है कि सब एक ही जगह पर एकत्रित होकर ईद का त्यौहार मना सके। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा अपने सहयोगी से आगे चलने के लिए बोलूंगा। देखिए एक महीने का ये रमज़ान का पाक महीना रहता है जिसमें जो रोज़ेदार हैं वो रोज़ा रखते हैं, हर शाम वो इफ्तार करते हैं, और अंतिम दिन जुम्मे की अंतिम जुम्मे के दिन नमाज़ अदा की जाती है, अलविदा नमाज़ पढ़ी जाती है, और उसके अगले ही दिन सुबह में अहले सुबह ईद का नमाज़ अदा की जाती है। कुछ रोज़दारों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अपने सहयोगी से बोलूंगा कि कुछ देखिए अनुमति नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है पूजा, इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन देखिए व्यवस्था पूरी तरीके से की है, क्योंकि जिला प्रशासन जगह जगह पूरी तरीके से जो तैयारियाँ हैं वो कर रही है। मस्जिदों को लेकर भी जो तैयारियाँ हैं वो है, पुलिस की तैनाती की गई है और व्यवस्था जो है वो पूरी चौकसी के साथ कर दी गई है पूजा। अमन, कब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच जाएंगे, कोई टाइम?
समय 7:30 का दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी समय पहुंचेंगे, 7:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे और जो नमाज है उसी समय नमाज भी अदा की जाएगी, ईद की नमाज, और इमारत सरिया के मुख्य सैयद जो हैं वो सभी नमाजियों को नमाज अदा करेंगे। उसके पहले जो तमाम जो रोज़दार हैं, जो नवाजी हैं, वो पहुँच रहे हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री खुद सभी की मौजूदगी का जो मौजूद रहते हैं मुख्यमंत्री, और सभी की मौजूदगी में नमाज अदा की जाती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7:30 में यहाँ पहुँच जाएंगे, जब नवाजी अंतिम नवाज ईद रमजान की जो पाक महीना है उसकी अंतिम नवाज ईद के दिन जो पढ़ी जाती है सुबह में उसकी उसको अदा करेंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री भी पहुँच जाएंगे। पूजा, बिल्कुल अमन, बहुत अच्छी बात है कि आपने सुबह सुबह इस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई और उन्हें बताया कि आज ईद के त्यौहार को लेकर कितना ज़्यादा उत्साह, कितनी ज़्यादा खुशी उनके बीच है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का सम्मान है और हर धर्म के त्योहारों की छटा और रौनक अलग ही देखने को मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमन।